ओके भाई मिल गया भाई ग्रिज बॉल, ये रहा। मार भाई रैग्नारोक, ज्यादा अटैक मत करियो, मुझे वो पकड़ना है। ले बेटे चल बॉल में आ। 83%। ओके भाई साइनिंग मोसांडा है भाई, इसको पकड़ना है भाई, साइनिंग मोसांडा है। देखते हैं मेमोरिस्ट क्या करता है भाई। भाई मेमोरिस्ट की लाइफ आधी कर दी भाई, कितना भयानक पकवान है भाई। ऑलराइट गाइस, मुझे एक यहाँ पे एक हिंट मिल रहा है कि मैं ग्रिजबॉल्ड को कहाँ पे पकड़ सकता हूँ। वो यहाँ इस एरिया पे बताया जा रहा है कि इस एरिया पे मैं ग्रिजबॉल्ड को पकड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे एक बार ट्राई लेते हैं, शायद हम लोग ग्रिजबॉल्ड को वहाँ पे हमें ग्रिजबॉल्ड मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा ये रहा बीकन, इस पे बैठ जाते हैं। आ भाई बीकन, भाई फाइट लेना तुझे क्यों लेना है इतना जल्दी। हाँ तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं रेस्ट क्रिमिनल एरिया में भाई। यहाँ जाते ही क्रिमिनल एरिया वाला वो होने लगता है, मैसेज आने लगता है भाई। ओके गाइस, भाई यहाँ पे भाई हमारे पास बीकन है जो इतना फास्ट उड़ रहा है, क्योंकि ना गाइस पिछली बार जब मैं वेनवर्म और नाइटविंग में उड़ रहा था भाई, भाई यहाँ पहुंचने में भाई जमाना बीत जा रहा था भाई, बहुत समय लग जाता था भाई। मगर ये बीकन जब से आया ना गाइस, तब से बहुत ही सही है, फटाफट मैं कहीं पे भी पहुंच जा रहा हूँ। और देखो गाइस ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया का यहाँ पे वो होने लगा रेड रेड, देख रहे हो भाई। यहाँ पे हमें ग्रिजबॉल्ड ढूंढना है। ग्रिजबॉल्ड बताया जा रहा है कि भाई इसके पीछे मिल सकता है मुझे ग्रिजबॉल्ड। एक सेकंड, मैं इसमें पेलडेक्स में देख सकता हूँ ग्रिजबॉल्ड को, मैंने डिफीट किया है ना, तो ग्रिजबॉल्ड की हैबिटाइट मुझे दिख सकती है कि ग्रिजबॉल्ड किधर है भाई। भाई इसकी हैबिटाइट, ऑलराइट इसकी हैबिटाइट तो इधर ही है, मगर दिख क्यों नहीं रहा भाई ग्रिजबॉल्ड हमें। ओके ओके हम लोग सही जगह पे आए हैं भाई, इसकी हैबिटाइट इधर ही है भाई, ये इधर ही कहीं रहता है भाई। ग्रिजबॉल्ड मिल जाए ना मजा आ जाए, मेरे ख्याल से ये गुफा वगैरह में रहता है। ओके तो यहाँ पे हमें गुफा ढूंढनी होगी और उस गुफा के अंदर से होते हुए जाना होगा। और गुफा ढूंढने के लिए हमें वो वाला पैल चाहिए जो कि है लीच पंख, वो गुफा वगैरह ढूंढने में काम आता है, उसकी मदद से हम लोग भाई यहाँ पे पकड़ सकते हैं ग्रिजबॉल्ड को। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे कोई भी गुफा या फिर कोई भी पैल नहीं दिख रहा है भाई ऊपर से, वो जरूर इसके अंदर ही होंगे। तो इसके अंदर जाने के लिए मुझे यहाँ पे कोई गुफा वगैरह ढूंढनी होगी। तो भाई यहाँ पे अभी तो नहीं दिख रहा है कोई गुफा, इसको तो हमने पकड़ा है भाई, इसका नाम है आजुरोबी या जुरोबी, अजीब सा नाम है भाई। अभी फाइट नहीं लेना है, पैनकिन वगैरह बहुत पकड़ लिया मैंने, मुझे यहाँ पे ग्रिजबॉल्ड को पकड़ना है भाई। ग्रिजबॉल्ड चाह रहा है मुझे जॉर्मुडा टाइट को हराने के लिए, और एक नहीं ढेर सारे पकड़ेंगे भाई। चलो आइस टाइप फ्रूट मिला हमें, ये कौन सा पहल है भाई, इसे हमें पकड़ा है। हाँ इसे हमने पकड़ा है, एक और पकड़ लेते हैं, ये थोड़ा काम करने में बढ़िया है भाई। मार भाई बीकन इसको, बढ़िया इलेक्ट्रिक अटैक दे। लिए बेटे भाई एमओ नहीं खत्म करनी है मुझे, तू भी मार भाई बीकन, इसे पकड़ लेते हैं, अब पकड़ते हैं। चल बेटा बॉल में आजा। 77%, वाह नो चांस ऑफ फेलियर, पकड़ा गई ना भाई। अरे कितनी बदमाश है भाई, रुको भाई तेरे को रिंग ऑफ मर्सी पहन के बताता हूँ। अब F1 HP हुई ना, अब आजा बॉल में, चुपचाप आ जाओ भाई। 73% में ये कहाँ से भाग जाते हैं। चलो भाई आ गए, अब ग्रिजबॉल्ड नहीं दिख रहे हैं भाई, ग्रिजबॉल्ड लिटरली में है कहाँ, हैबिटाइट तो इधर ही बता रहा है भाई। पेलडेक्स में देखो भाई हैबिटाइट इसकी इधर ही दिख रही है, देख रहे हो पूरी हैबिटाइट इधर ही दिख रही है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा ये ग्रिजबॉल्ड। पैनकिंग वगैरह बस दिख रहे हैं, हो सकता है मुझे यहाँ पे कोई गुफा वगैरह के अंदर जाना हो, गुफा भी नहीं दिख रही है। ये रास्ता कुछ जा रहा है और ये रास्ता बंद है, बंद है भाई ये। ओके भाई मिल गया भाई ग्रिजबॉल्ड, ये रहा भाई। मैं यहाँ लिटरली 3-3 बार आ चुका हूँ, मुझे एक बार भी यहाँ ये नहीं दिखा था मुझे ग्रिजबॉल्ड। अभी बताता हूँ भाई, रुक भाई रैग्नारोक को भेजता हूँ, यही तेरा असली इलाज करेगा भाई। मार भाई रैग्नारोक, ज्यादा अटैक मत करियो, मुझे वो पकड़ना है। ले बेटे चल बॉल में आ। 83% भाई ग्रिजबॉल्ड, मैं यहाँ पे 3-3 बार आ चुका हूँ, ग्रिजबॉल्ड क्यों नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। ग्रिजबॉल्ड इतना ऑसम बैडएस पोकेमोन है। मार भाई उसको खत्म कर, पैनकिन को खत्म कर। हाँ उसको नहीं पकड़ना मुझे, अब पकड़ लेते हैं, थोड़े पॉइंट्स बढ़ जाएंगे मेरे। एक बार और मार फटाक। अरे यार मुझे जमा दिया, अरे रुक जा अब नहीं करना यार भाई। चलो कोई बात नहीं भाई, हमें एक और ग्रिजबॉल्ड चाहिए प्लीज यार, एक और मिल जाए भाई, या फिर 2-3 और मिल जाए भाई। पेनग्लॉब को हम लोग यहाँ पे नहीं लाए, नहीं तो हमें और भी मिलते भाई। अच्छा अभी कैन भाई, इसका मतलब ग्रिजबॉल्ड बहुत ही ज्यादा रेयर है, एक ही ग्रिजबॉल्ड हमें यहाँ अभी तक दिखा है। ओके यहाँ पे चेस्ट वगैरह ये सब खोल लें भाई, यहाँ पे स्लैब्स मिल रहे हैं समन करने के लिए। क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर वे, गुफा है क्या इधर, ये देखो
एक थाइडियर टेरा, इसे भी हमने पकड़ा है। एक और पकड़ लेते हैं, क्या करना है? चल रुक बेटा, तेरे को बताता अपना रैगना हॉक भाई एक नंबर काम कर रहा है, तुरंत तुरंत डैमेज कर रहा है। बता दे भाई बॉस कौन है। ले बेटे उसकी हालत ही खराब कर दी एक बार में। अब कोई सिंपल इसको भेजते हैं, ठंडे पोकेमोन को भेजते हैं, देखते हैं क्या करता है भाई क्राइनोक्स। ओ भाई क्राइनोक्स भाई बैडस भाई, क्राइनोक्स भी बैडस है यार। इसको भी हमने पकड़ा, इसकी भी अटैकिंग पावर 400 के ऊपर है। मगर यहाँ पे हमें एक और ग्रिसबॉल चाह रहा था जो कि नहीं मिला हमें। हम फिर ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर चल के देखते हैं शायद दोबारा रिस्पॉन हो जाए तो दोबारा हमें मिल जाए भाई ग्रिसबॉल। ए भाई ग्रिसबॉल कहाँ है भाई? RPIDF यहाँ पर है, इन सबसे फाइट नहीं लेना भाई, वॉन्टेड कर देते हैं और स्पॉन होके मारते हैं भाई। ये वॉन्टेड कर देंगे फिर तुम्हारे पीछे स्पॉन होके मारेंगे, ये नहीं कि दौड़ के मारेंगे, जहाँ जहाँ तुम जाओगे ना भाई ये स्पॉन होते रहते। अभी क्यों? अरे व्हाट भाई, ये क्या है भाई, क्या सीन है भाई, क्यों? मैंने कुछ किया भी नहीं भाई, मैं वॉन्टेड हो गया भाई। एक ही ग्रिसबॉल्ड मिला यार, दो मिल जाते ना तो भाई ब्रीड करके इतने ग्रिसबॉल्ड बनाता, इतने ग्रिसबॉल्ड बनाता किसी ने सोची ना होगी। देख रो भाई पानी में स्पॉन हो जा रहे हैं, क्या है भाई, क्या गेम है भाई, पानी में लिटरली स्पॉन हो रहा है वो RPIDF। ये देखो मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वो स्पॉन होते रहेंगे, देख रहे हो, मेरे घर तक स्पॉन होंगे। भाई चलो भाई फटाफट यहाँ से निकला जाए भाई, चेक पॉइंट बहुत दूर है यार, बहुत चलना होगा। तो ऑल राइट गाइस, हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं अपने बेस के पास, यहाँ पे ये देखो अपने बेस के पास आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग फटाफट काम करते हैं, एक और कंटेनर हमें यहाँ पे बना रहे हैं। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं ना, इसे एक और कंटेनर हमें बनाना होगा। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे अपना ग्रिसबॉल्ड को चेक करते हैं भाई, और देखा जाए ग्रिसबॉल्ड क्या सीन है, क्या कर रहा है, क्या पावर्स है उसकी। पावर्स तो मुझे लग रही है कमी होगी, मगर वो इलेक्ट्रिक टाइप है ना तो उससे थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है हमें कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। कहा है भाई ग्रिसबॉल्ड? मैंने पकड़ा था कि नहीं भाई उसको? क्या है भाई, भाई भाई मैंने उसे पकड़ा था कि नहीं? जी नहीं तो मोसांडा है। ओके गाइस, मैंने पकड़ा है भाई, मैं तो डर गया था भाई मैं पकड़ाऊ कि नहीं उसे। ऑल राइट गाइस, ये अच्छा परफॉर्म करता है भाई, ये काम बढ़िया करता है। ओके इसका 3 लेवल की अटैक है, 2 लेवल का काम है और 3 ट्रांसपोर्टेशन है भाई। ये तो इन सबसे अच्छा ही है भाई, ये मोसांडा से तो अच्छा ही है। और खाना खाता है पेट भर। मोसांडा लक्स की क्या है? मोसांडा लक्स का 2 पावर है, इलेक्ट्रिक और ट्रांसपोर्ट है, मगर मोसांडा लक्स इससे कम खाता है, खाना खाता है। ग्रिसबॉल्ड हमारे यहाँ पार्टी में ऐड हो चुका है, इस वाले बंदे को देखते हैं। आइस टाइप पोकेमोन को भी रखते हैं, फायर टाइप पोकेमोन्स को हटाओ क्योंकि फायर टाइप पोकेमोन्स उतने परफॉर्मिंग नहीं है। ठीक है तो यहाँ पे और भी कोई इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन हमें रखना होगा, एक और कोई, हाँ मोसांडा, ये मोसांडा को तो रखना ही है। चलो गाइस तो बीकन से उड़ के जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक पोकेमोन्स हो गए। हालांकि भाई ये 21 लेवल का है, हमारे लेवल से 10, 11, 12 पॉइंट्स कम है, इसीलिए इसकी वो कम है भाई, क्या नाम है, अटैकिंग कम है, इसे हमें सिखाना होगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, वैसे ये लेजेंडरी पोकेमोन है तो हमारे ये काम आ सकता है। एक बार और लड़ने की कोशिश करते हैं जॉर्मुडा टाइट से। मैं सोच रहा हूँ कि मैमरेस्ट को ले लूँ क्या भाई, इसकी जगह मैमरेस्ट को ले लूँ क्या, एक बार देखते हैं। या फिर क्रोनिक्स बढ़िया अटैक करे जॉर्मुडा पे, हो सकता है आइस टाइप पोकेमोन जॉर्मुडा को अच्छे से डैमेज दे। ठीक है क्योंकि मैमरेस्ट न्यूट्रल पोकेमोन है, न्यूट्रल पोकेमोन से उतना जल्दी हारने वाला नहीं है। आजा भाई बीकन, ये सब पीछे पड़ गए मेरे। चल भाई पहले ही मेरा, ओके भाई साइनिंग मोसांडा है भाई, इसको पकड़ना है भाई, साइनिंग मोसांडा है। ओके उसके इसकी पावर्स बढ़िया होंगी। अबे कहाँ घूम रहा है, इससे लड़ अभी भेजता हूँ भाई, क्रोनिक्स को भेजता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इधर हूँ मैं। अबे भाई के भाई, ये साइनिंग मोसांडा को मुझे पकड़ना है। ओके क्रोनिक्स अटैकिंग में नहीं उतना परफॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिक रिलैक्सोसॉरस से देखते हैं क्या अटैक होता है भाई, क्यों डैमेज ही नहीं हो रहे हैं भाई। ओके हो रहे हैं। वो कहाँ गया भाई, साइनिंग कहाँ गया? अरे भाई साइनिंग वाला कहाँ गया? ये रहा। अबे तू क्या मेरे पीछे पड़ा है भाई? अरे भाई, ओ भाई एक लोग से निपट लेने दो भाई। अपना रिलैक्सोसॉरस भाई, रिलैक्सोसॉरस अपना डैमेज हो गया, इधर ही गेम खत्म हो जाएगा। पता चला इतने बंदे आ गए हैं भाई। भाई मैंने वो बंदूक भी इक्विप नहीं किया, ये ले बेटा इसको निपटाओ भाई। रिंग ऑफ मर्सी पहनी है मैंने, हट भैंस की टांग। अच्छा भाई वो भाई अबे डेंजर में, अबे यार क्या कर रहा है भाई, अपना मोसांडा डेंजर में, भैंस की टांग। साइनिंग वाले को पकड़ने गया, इतनी पंचायत हो गई और वो कुछ डैमेज नहीं हुआ। ये सब मेरे पीछे पड़ गए हैं अलग से। रात हो गई है भाई, यहाँ पे निकलो भाई, पहले तो निकलो, मगर वो साइनिंग वाले को पकड़ना है मुझे किसी हाल में। साइनिंग वाले को मैं बताता हूँ भाई, पकड़ के रात हो
हो जाए चाहे दिन, भाई मसाल की तरह है। आजा भाई अब लड़ते हैं। अरे यार पानी में कहां से गिर गया मैं। आजा इधर आजा। ओके ओके नाइस, उधर से ही डैमेज दे तू। भाई वो गोरिल्ला क्या कर रहा है यहाँ पे। भाई गोरिल्ला तुझे अभी बताता हूँ भाई, रिलोड करने दे, रिलोड कर लेने दे भाई। ओके भाई यहाँ पे हमें फायर टाइप पोकेमॉन चाह रहा है भाई मुसांडा। अरे रिलैक्सोसॉरस की हालत खत्म, क्या है भाई ग्रिजबॉल्ड भी नहीं टिक पाएगा भाई, क्रोनिक्स को भेजो भाई। यहाँ पे फायर टाइप हमें पोकेमॉन चाह रहा था इसको पकड़ने के लिए, फायर टाइप पोकेमॉन से ये मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा ये। ये बीकेन तू जा। अबे तुम सब क्यों पीछे पड़ जा रहे हो मेरे। अबे इधर भी है। अरे अबे नहीं वो भैंस की टांग कहाँ गया वो। अरे साइनिंग मुसांडा कहाँ गया भाई, साइनिंग मुसांडा कहाँ गया। है इधर ही है, इधर ही कहीं है। मारा तो नहीं ना वो। एक सेकेंड रुको गाइस, भाई वो ग्लिच में फंस गया। ओके ऊपर है, ऊपर है। इस गोरिल्ला को तो बताता हूँ मैं अभी, गोरिल्ला को छोड़ूंगा नहीं भाई। अरे भाई मुसांडा, अबे ये बहुत ही तगड़ा अटैक कर रहा है भाई, ये लेना है हमें, इसे तो पकड़ना है किसी भी हाल में। रिलोड कर भाई तू, रिलोड क्यों नहीं कर रहा है। ओके डिफीट हो गया। उसको मार, उसको मार, उसको मार ग्रिजबोल्ड। अबे ग्रिजबोल्ड नशे की है क्या, उसको मार। वे लर्न लाइटनिंग स्ट्राइक, कहाँ जाके गिर रहा है भाई वो, पकड़ के रहूंगा मैं भाई। यहाँ पे कैटरस क्या कर रही भाई, कैटरस आ गई यार भैंस की टांग। भाई फायर टाइप पोकेमोन नहीं लाऊंगा ना तब तक। ओ सेट भाई नहीं मिल पाएगा मुझे। आजा आजा आजा, कैटरस से पंगा हो रहा है, कैटरस से पंगा नहीं लेना है। निकलो भाई निकलो यहाँ से, अभी रुक रुकू भाई, तुरंत आता हूँ, तुरंत टीपी करके आता हूँ। पहले लेता हूँ मैं रैग्नारॉक को लेता हूँ, अभी बताता हूँ तुम लोग को, अभी बताता हूँ भाई असली बॉस कौन है भाई। कहाँ कर दिया भाई इसको, इसमें किसी डाल दिया, कहाँ गया। रैग्नारॉक को लेकर आता हूँ भाई ना, रैग्नारॉक किधर गया, ये रहा ना रेप्टाइरो तू भी है ना। अब बताता हूँ, आता हूँ भाई, कहाँ गया कहाँ गया। ले बेटे आता हूँ मैं, सब गायब हो गए मुसांडा भाई, भाई गायब हो गया। देख रहे हो ये गेम का यही सीन है, साइनिंग मुसांडा गायब हो गया। उसकी पावर्स बढ़िया थी भाई, 40 लेवल का था वो भाई। इन सबको पकड़ के क्या करूंगा मैं, चला गया देख रहे हो, साइनिंग मुसांडा चला गया। सेट भाई पावर्स उसकी बढ़िया थी यार, मिल जाता तो मजा आ जाता। चलो भाई कोई ना, सुबह ओके, अब हम सुबह चलेंगे भाई जोरमुडा टाइट से लड़ने के लिए, ठीक है। चलो भाई वापस चलो। ओके पेल्स को यहाँ पे पहले चेंज कर देते हैं, ये बीकन अपना हील हो गया है। और यहाँ पे ले लेते हैं क्या क्या रखा था हमने वाला, वाह एक और था ना भाई, एक और था इलेक्ट्रिक टाइप, एक और था भाई, कौन था भाई, हाँ रिलैक्सोसॉरस। इस पार्टी में मैंने कैसे डाल दिया इसको। ओके ये ओके है, हील हो गए हैं ठीक है। इसको हटाओ भाई, रेप्टायरो को हटाओ, रेप्टायरो की जगह रख दो ये क्रॉनिक्स को रख दो। देखो शायद ये अटैक करे अच्छा, और भूख लगी है क्या अपने बंदों को, लो भाई खाओ। ऑलराइट गाइस यहाँ पे हम लोग अब सो लेते हैं फटाफट। ओके मैं सेकंड बेस पे आया हूँ, नहीं पहले बेस पे। ओके ओके चलो भाई यहाँ पे फटाफट सोते हैं। ओके गाइस यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं अपना बदला लेने के लिए भाई जोरमुडा टाइट से। भाई आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मेरे पास आज तीन तीन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, नहीं चार इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन। आजा पीके ना भाई, छोड़ो उन सबको भाई, साइनिंग मुसांडा मिल जाता ना मजा आता भाई। ऑलराइट गाइस हम लोग फिर से यहाँ पे आ चुके हैं जोरमुडा टाइट के एरिया में, और इसको बताते हैं असली बॉस कौन है। अब की बारी नहीं छोड़ेंगे भाई, इतने सारे इलेक्ट्रिक पोकेमॉन हमने लेकर आया ना, इसकी हालत खराब कर देंगे। आजा भाई जोरमुडा टाइट किधर है, किधर है भाई। ओके स्पॉन हो गया, चेस्ट ले लेते हैं। अब बताते हैं बेटा, पहले ग्रिजबोल्ड को भेजते हैं भाई, देखते हैं ग्रिजबोल्ड क्या सीन है, क्या करता है। इसको निपटा भाई, कहाँ जा रहा है, इसको निपटाना है हमें। 4000 तो लाइफ है, ले बेटे ना 19 बोहनी की मैंने 19 के डैमेज। हाँ ग्रिजबोल्ड कितना जल्दी डैमेज कर रहा है भाई वो। अभी ग्रिजबोल्ड कुछ नहीं डैमेज कर पा रहा है, नहीं भागो भाई। क्या है, क्या सीन है भाई। इसको क्रॉनिक्स को भेजते हैं, देखते हैं क्या अटैक करता है भाई, आज टाइप पोकेमॉन क्या अटैक करता है, कितनी डैमेज देता है भाई। ओह नहीं, मार भाई क्रॉनिक्स, तू भी मार यार, क्या कर रहा है, मार भाई। 23% इज हाईली इफेक्टिव। ओके ओके क्रॉनिक्स इज हाईली इफेक्टिव, वो भी हाईली इफेक्टिव है, बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है उल्टा बोलना भाई, क्राइलोनिक्स, हाँ क्राइलोनिक्स ही तो नाम है उसका। हाईली इफेक्टिव है मगर यहाँ पे वो डैमेज हो जा रहा है जल्दी, उसका डिफेंस कमजोर है। इसके बाद हम लोग भेजेंगे मुसांडा को, जैसे उसकी लाइफ आधी होगी ना मुसांडा को भेजेंगे। तो यहाँ पे आइस टाइप पोकेमोन से हमें हम उसे हरा सकते हैं जोरमुडा टाइट को, और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन से ठीक है। वाटर टाइप पोकेमोन, आइस टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन से ही अच्छा खासा डैमेज होते हैं। और भाई ये खुद इलेक्ट्रिक टाइप थोड़ा बहुत है जोरमुडा टाइट, इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़ रहा है वाटर भी छोड़ रहा है।
79%. नाइस मोसांडा लक्स। मगर भाई इसकी लाइफ अभी भी हमने बहुत ही कम की है, और ये मुझे अगर मार देगा ना, गाइस देख रहे हो भाई कितना सटीक बचा हूं मैं। मार ना भाई मोसांडा फटाफट उसको। बढ़िया 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 बढ़िया, अब मोसांडा की लाइफ आती हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग रिलैक्सो टॉरस लक्स को भेजते हैं, लक्स साबुन लगा के मारे उसे, और फिर से मेरे यहाँ पे डिफेंस तोड़ दिया इसने। भाई यार रिलैक्सोसॉरस जरा से अभी डैमेज नहीं दे पा रहा है यार, बेकार है भाई रिलैक्सोसॉरस। यहाँ पे हमको ढेर सारे मोसांडा लक्स को पकड़ने होंगे तभी मैं हम उसे हरा सकते हैं। और भाई ये कोई काम का नहीं है भाई, ग्रिजबोल्ड कोई काम का नहीं है, अभी बच्चा है भाई। तू जा साइक्रोनिक्स मार इसको, हाईली इफेक्टिव है मगर डिफेंस अच्छा नहीं है। मार भाई आधा घंटा तू सोचता रहता है भाई, ऐसा लगता है नींद में से उठा है। अब मार मार उसको, जमा दिया भाई लिटरली। ओके, और भाई मैं यहाँ पे डैमेज हो रहा हूँ। निकलो भाई, नहीं दाल नहीं गलेगी अपनी, अपनी दाल नहीं गल पाई भाई, आज नहीं दाल गली अपनी भाई, नहीं पकड़ पा रहा हूँ भाई। उसको पकड़ने के लिए और तगड़े वाले इलेक्ट्रिक या फिर आइस टाइप मेमोरिस्ट को पकड़ के लाना होगा। आइस टाइप मेमोरिस्ट है मेरे पास एक, मगर वो अभी बच्चा है भाई, अंडे से निकला है। हमें आइस टाइप मेमोरिस्ट को पकड़ के लाना होगा, तब इसको बताते हैं। आइस टाइप मेमोरिस्ट और एक बहुत ही तगड़ा कोई, वो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक पोकेमॉन तगड़ा भाई, वही रिलैक्सोसॉरस ही था भाई, वो मॉन्स्टर टाइप पोकेमॉन था। जब वो उससे नहीं मर रहा है तो किससे मरेगा भाई वो, जब फायर टाइप भी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। न्यूट्रल टाइप एक बार ला के देखा जाए क्या है, न्यूट्रल टाइप से शायद वो मरे। नहीं तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग ये तिगड़म लगा सकते हैं ना गाइस, पहले चेक पॉइंट के दे रहा भाई, ये तिगड़म लगा सकते हैं कि हम लोग मेमोरिस्ट को लेकर आया जाए, और मेमोरिस्ट को तब हम लोग फेंका मतलब लड़ने के लिए दिया जाए जब अपने सारे पैल्स डैमेज हो जाए। क्योंकि मेमोरिस्ट जब तक लड़ेगा ना गाइस, तब तक अपने जो इलेक्ट्रिक पैल्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे, वापस हील हो जाएंगे मतलब। तो उससे क्या होगा कि हम लोग उससे कंटिन्यूअस लड़ सकते हैं उसकी वजह से, जॉर्मुंडा टाइट से। कहाँ है भाई टेलीपोर्ट, किधर है टेलीपोर्ट, किधर है उधर है, घर पे चलो भाई। जॉर्मुंडा टाइट को मैं पकड़ के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो भाई इसमें से सबसे पहले हटा दो, इसको हटा दो ग्रिजबोल्ड को, इसको बेस पे डालो काम करे ठीक है। और इसको रहन दो, इसको रहन दो, मोसांडा को रहन दो, ये लक्स तू भाई तू हट जा, तू कोई काम का नहीं है। फायर टाइप उसको कोई नहीं अटैक कर पा रहा है, ये भी फायर टाइप है। ओके, घोस्ट टाइप पोकेमोन को ले जाऊं क्या, ये घोस्ट टाइप है मगर ये फायर है, और ये लीच पंक है, ये सब गुफाएं है वो ढूंढने के काम करते हैं सब ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये भी इलेक्ट्रिक है भाई, ये डायनोजॉम लक्स, इसे भी हम लोग लेके जा सकते हैं। उसके अलावा और कोई इलेक्ट्रिक पोकेमोन जिससे एक न्यूट्रल, हाँ एक ये लेके जाना है मेमोरिस्ट। सबसे ताकतवर कौन सा मेमोरिस्ट है, इसकी लाइफ कितनी है 3700 की, इसकी लाइफ ज्यादा है भाई, इसका डिफेंस भी अच्छा है। आइस टाइप मेमोरिस्ट ये बच्चा है भाई, इसका अटैक भी ठीक ठाक है, इसको रख सकते हैं। ये ग्रास टाइप पोकेमोन है ठीक है, न्यूट्रल नहीं है, ये ग्रास टाइप पोकेमोन है। और ये देखो ये है, ये अंडे से निकला था तो इसका अटैक और डिफेंस अच्छा नहीं है। बाकी ये भी हमारे पास है रेउन, और भी था ना हमारे पास, बीस्ट भी है, ये न्यूट्रल टाइप पोकेमोन है ठीक है, ये न्यूट्रल है। वैनवॉर्म को रख लेते हैं भाई, वैनवॉर्म को रखते हैं बीकन की जगह, वैनवॉर्म से थोड़ा लड़ने में आसानी होगा। ओके, तो भाई मोसांडा ये लड़ पाएगी कि नहीं, इसका अटैक, इसका डिफेंस अच्छा नहीं है भाई, अटैक अच्छा है डिफेंस अच्छा नहीं है, तो हम लोग इस पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मेमोरिस्ट को लेके चले गया, मेमोरिस्ट को लेके चलते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है भाई। सबसे तगड़ा वाला मेमोरिस्ट किधर गया, सबसे तगड़ा वाला मेमोरिस्ट ये रहा, आ जाओ भाई। चलो भाई चलो भाई, अब कॉम्बिनेशन बना लिया हमने तगड़ी वाली, अब बताते हैं भाई वैनबॉम किधर है, तू आ जा। हमारे पास फायर टाइप है, इलेक्ट्रिक टाइप है, आइस टाइप है, न्यूट्रल टाइप है, और ग्रास टाइप, हर पोकेमोन हो गए हमारे पास भाई साहब। उसकी वॉट लगा देंगे भाई जॉर्मुंडा टाइट की, अब की बारी, सही जा रहा हूँ ना। देख रहे हो भाई ये वैनबॉम बहुत धीमा उड़ता है, बहुत धीमा उड़ता है, इससे धीमा तो भाई नाइटविंग उड़ता है। कहाँ गया भाई, आ जा आप फाइट लेना है, तेरे को बताते हैं असली बॉस कौन है भाई, कहाँ है, आ गया ना। अरे भाई मिस कर गया, अभी बताते हैं बेटे, अभी बताते हैं। तेरी 1 HP लाइफ नहीं कर दी ना भाई, मार भाई, रिपल्स अलायंस रेड किए। अबे वैनवॉर्म की लाइफ आधी कर दी भाई, इसकी पावर कितनी बढ़ती चली जा रही है भाई, वैनवॉर्म की लाइफ आधी कर दी। अब देखते हैं मेमोरिस्ट क्या करता है भाई, मेमोरिस्ट क्या सीन करता है भाई, मेमोरिस्ट की लाइफ आधी कर दी भाई, कितना भयानक पकवान है भाई। अरे मेमोरिस्ट मार भाई उसको, खड़ा क्या है मेमोरिस्ट भाई, कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है उसका, 4-4 लाइफ का डैमेज दे रहा है। इसको भेजते हैं भाई, ये बॉस था, इसे बॉस ने, ये बॉस टाइप है, ये देखते हैं ये क्या डैमेज देता है। भैंस की टांग ग्लिच में अटक गया, उसके अटैक्स ग्लिच में नहीं अटक रहे, मेरे ही अटैक ग्लिच में अटक जा रहे। मार भाई, अरे मारो ना, नहीं ये भी
भी इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है भाई, बुला ले वापस। अबे ये कहाँ से आ गए भाई क्रोनिक्स, चल बेटे तू निकल, पता नहीं कहाँ से आ गया। ओके यहाँ पे मुसांडा को भेजते हैं, मेमोरिस्ट की लाइफ आधी कर दी उसने, मजाक है भाई मेमोरिस्ट की लाइफ आधी। अरे भाई तू क्या है भाई, तू क्या है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, निकलो, चल भाई बैठा मुझे भाई, अब की तीसरी बार मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तीसरी बार भाग के जा रहा हूँ भाई। भाई मेरा दिमाग गर्म कर दिया इसने पूरा, लिटरली में मेरा दिमाग गर्म कर दिया भाई, इसकी ना बैंड बजाऊंगा मैं एक दिन, गंदा वाला भाई। कैसे पकड़ लेते हैं भाई अदर यूट्यूबर्स, वो मुझे लगता है ब्रीड करते हैं भाई, इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है भाई, वो ब्रीड करा के जोर मुड़ा टाइट को बना लेते होंगे, बाकी इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है भाई। 6600 का डैमेज है भाई अपने ये वैन वॉर्म का, तब भी वो कुछ डैमेज नहीं हो रहा है। एक बार और देखते हैं, चलते हैं भाई, तो मेमोरिस्ट भी हील हो गया है यहाँ पे, कहाँ गया, लाइफ उसकी दोबारा हील हो गई होगी मेरे ख्याल से। ओ भाई उसकी लाइफ हील हो चुकी है। अगर हम लोग वाटर टाइप पोकेमोन लेकर आया जाए तो क्या होगा, ये नहीं नहीं अटैक नहीं कर पा रहा है। मेमोरिस्ट टू अटैक कर भाई। ओके मेमोरिस्ट भी अटैक नहीं कर पा रहा उतना इफेक्टिव, टू अटैक कर भाई, ये भी उतना डैमेज नहीं दे पा रहा है, इतने इतने डैमेज से हम लोग उसे हरा नहीं पाएंगे, वो हमें मार देगा। मेरी यहाँ पे शील्ड टूट गई है शील्ड, तो यहाँ पे मुझे, मैं फाइट नहीं लड़ सकता भाई, मेरी हस्तियाँ गिर जाएगी यहाँ। चलो भाई वापस, कुछ और दिमाग लगाना होगा हमें भाई, वाटर टाइप पोकेमोन्स को एक बार लाके ट्राई करना होगा भाई। आज तो जोर मुड़ा टाइट को पकड़ के रहेंगे भाई, जो कुछ हो जाए एक वाटर टाइप, लास्ट में वाटर टाइप पोकेमोन को लाके देखता हूँ उन सबकी क्या परफॉर्मेंस है। मैंने आज टाइप, फायर टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप हर टाइप के पोकेमोन्स को ट्राई कर लिया, अब बस वाटर टाइप पोकेमोन्स बचे हैं उनको ही ट्राई करना है, और कोई लेजेंडरी वाटर टाइप पोकेमोन मुझे देखना है मेरे पास है कि नहीं। वाटर टाइप पोकेमोन एक है, एक बॉस को मैंने पकड़ा था, वो जो कि है ना भाई पतली सी है, उड़ते उड़ते जाती है, उड़ते हुए नहीं जाती है मतलब रेंगते हुए जाती है, उससे लड़ाना है भाई, उससे लड़ा के देखा जाए कि ये जोरमुंडा टाइट को हरा पाते हैं कि नहीं। नहीं हरा पाते हैं तो गाइस भाई जोरमुंडा टाइट को हम लोग बाद में हराएंगे, जब हम लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तब हम लोग हराएंगे जोरमुंडा टाइट को। यहाँ पे वाटर टाइप कौन है, वाटर टाइप ये है रिलैक्सोसॉरस, इसकी अटैकिंग उतनी अच्छी नहीं है भाई, इसके अलावा ये है, इसकी भी अटैकिंग अच्छी नहीं है। ओके इसकी अटैकिंग अच्छी है मगर ये डार्क टाइप पोकेमोन है, और इलेक्ट्रिक और फ्रोजन पैक ये आइस टाइप पोकेमोन है भाई, ये अटैकिंग अच्छी नहीं है। मगर ये देखो सर्फेंट ये नहीं, ये भी बेकार, इसकी अटैक अच्छा नहीं है। ना एक और सर्फेंट भाई, आइस टाइप मेमोरिस्ट को ले जाऊं क्या भाई, मगर ये बच्चा है एक लेवल का है, और सुजाकू से भी नहीं मरेगा क्योंकि भाई वो बहुत ही, सुजाकू से मतलब फायर टाइप पोकेमोन से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें एक तगड़ा वाला आइस टाइप पोकेमोन, अरे वाटर टाइप पोकेमोन, देखो भाई वाटर टाइप पोकेमोन ये वाटर टाइप नहीं है, आइस टाइप है, घोस्ट हो गया भाई अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो ये है एक, ये वाटर टाइप पोकेमोन है, इसको एक बार बस लेके जाके देखा जाए क्या सीन है, ये क्या क्या डैमेज देता है ठीक है, इसको एक बार लेके जाके देखा जाए कहाँ गया, अपना बीकन फटाफट उड़ के देखा जाए। चलो भाई ये लास्ट ट्राई करता हूँ भाई, मैं लास्ट ट्राई करता हूँ, अगर मिल जाएगा मजा आ जाएगा, अगर मुझे मिल जाएगा ना मजा आ जाएगा, अगर इसका डैमेज अच्छा होगा ना तो हम लोग इसी टाइप के और भी ढेर सारे पोकेमोन्स को पकड़ लिया जाएगा ठीक है। कहाँ गया बीकन, आ जा भाई, चलो भाई जोरमुंडा टाइट को पकड़ने के लिए। ऑलराइट गाइस यहाँ पे हम लोग दोबारा उस लोकेशन पे आ चुके हैं भाई, जोरमुंडा टाइट वाली लोकेशन पे, देख सकते हैं भाई यहाँ कंकाल ही कंकाल है। वर्डेंट रुके, ओके ग्रास टाइप वर्डेंट से ये डैमेज होगा क्या, रुको भाई पहले मैं उधर चल लेता हूँ जमीन में, फिर इसको बताते हैं भाई। रुको भाई ले बेटे, अब आ तुझसे फाइट लेनी है मुझे, अब भेजते हैं इस वाले पोकेमोन को, वाटर टाइप पोकेमोन। अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है भाई, अटैक कर भाई अर्जुरोबी पता नहीं क्या नाम है भाई, अबे अटैक कर उसको, तू पानी में रहती है भाई पानी में अटैक कर ना भाई। क्या है भाई तुम, क्या हो भाई, मुझे मरवाना चाह रहे हो क्या भाई, क्या भाई साहब, भाई यार मैं तो भाई गिव अप कर रहा हूँ भाई, बहुत ट्राई कर लिया भाई मैं अब मन नहीं कर रहा भाई, देख रहे हो मेरा सारी हस्तियां गिर गई, मेरी सारे सामान गिर गए उधर, एक भाई एक अटैक में भाई जोरमुंडा टाइट ने मुझे मार डाला एक अटैक में भाई साहब। तो ऑलराइट गाइस आज के लिए बस इतना ही गाइस, अब हम लोग को यहाँ पे और भी ज्यादा मोसांडा लक्स को पकड़ना होगा, क्योंकि मोसांडा लक्स ही डैमेज दे पा रहा है ढंग का मेरा
मेरा जो पूरा का पूरा पार्टी है ना उसमें मोसांडा लक्स को पूरा ऐड करना होगा। सारे के सारे मोसांडा लक्स रहेंगे ना तभी हम लोग उसको हरा पाएंगे, क्योंकि मोसांडा लक्स बहुत ही सही डैमेज दे रहा था। तो यहाँ पे हम लोग मोसांडा लक्स की हैबिटाइट एक बार देख लेते हैं भाई, ये कहाँ पे रहता है। ग्रिजबॉल्ड तू भाई बेकार है, भाई तू बेकार है, मैंने तुझे बैडस समझा था, तू बेकार है भाई। क्या है भाई, इससे अच्छा तो अपना मोसांडा लड़ रहा है। कहाँ है भाई वो, कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ गया मोसांडा। मोसांडा लक्स किधर है अपन का, ये रहा मोसांडा लक्स इलेक्ट्रिक टाइप। हाँ हैबिटाइट इसकी पता ही नहीं है, व्हाट ऐसा क्यों भाई, इसकी हैबिटाइट क्यों नहीं पता है। मगर इसकी हैबिटाइट मुझे पता है, ये रहता है गुफाओं में, वो भी कहाँ वाली, वोल्केनो एरिया की गुफाओं में रहता है भाई। इधर कहीं गुफा है उस एरिया में रहता है। तो गाइस अब अगले वाली वीडियो में गाइस हम लोग मोसांडा लक्स को पकड़ने जाएंगे, ढेर सारे मोसांडा लक्स को पकड़ेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे जॉर्मुंडा टाइट से फाइट लेने, क्योंकि ना गाइस इन सारे पोकेमॉन से तो नहीं होने वाला भाई, मैं तो समझ गया। पैनकिन को लेके जा सकता था वैसे भाई, मगर वाटर टाइप पोकेमॉन भी उस पे इतना इफेक्टिव नहीं है, इलेक्ट्रिक टाइप ही इफेक्टिव है जो कि हमारा है मोसांडा लक्स। तो भाई हमें ढेर सारे मोसांडा लक्स को पकड़ना होगा। तो गाइस मिलते हैं आपको किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।